आयशाज कुकबुक में अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेड वेलवेट केक बनाने की रेसिपी। उसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक कप मैदा है, उसमें 1 टीस्पून में ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून में ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद 1 पिंच में ऐड कर रही हूँ नमक और 1 टेबलस्पून भर के मैं ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। इन सभी चीज़ों को अब हम मिक्स करेंगे। ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये थी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब हम आते हैं अपने वेट इंग्रेडिएंट की तरफ। यहाँ पर एक बाउल में रूम टेम्परेचर 2 अंडे ले लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑयल, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, बस स्मेल ही नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ शुगर पाउडर 1/2 कप। इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के, अगेन मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 हिस्सों में करके वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें मिक्स करते जाएंगे। 1/2 डालेंगे मिक्स करके, फिर 1/2 ऐड करेंगे। बकाया जो बचा के रखा था 1/2, अब हम वो भी ऐड कर देंगे और अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सभी चीज़ें मिक्स होने के बाद ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, रूम टेम्परेचर है 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क। ये 2 टेबलस्पून हमने ऐड किया है, पहले हम इसको मिक्स करेंगे। मज़ीद 1 टेबलस्पून ऐड करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड फूड कलर, 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास लिक्विड है, आप चाहें तो पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर फूड कलर भी मिक्स हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये आप देख सकते हैं बैटर को मैंने इक्वली 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। अब मैं इसको करूँगी 3 हिस्सों में बेक। अगर आप चाहें तो रेम्बो केक की रेसिपी देखें, और अगर पैन में बनाना चाह रहे हैं तो उस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं इनको करती हूँ बेक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं तीनों केक हमारे रेडी हैं, बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं। अब हम इनकी असेंबलिंग करते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने 1 लेयर केक की रख के उसके ऊपर बीट की हुई क्रीम रखी है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड करूँगी। क्रीम स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर 2nd लेयर रखूँगी। 2nd लेयर के ऊपर भी मैं क्रीम स्प्रेड करूँगी। 2nd लेयर के ऊपर अब मैं क्रीम स्प्रेड करके 3rd लेयर रख रही हूँ। 3rd लेयर के ऊपर भी क्रीम स्प्रेड करेंगे। 3rd लेयर को मैंने उल्टा रखा है। क्रीम स्प्रेड करने के बाद अब हम इसकी चारों साइड्स क्रीम से कवर कर देंगे। ये है केक की फाइनल लुक। तीनों लेयर्स को मैंने क्रीम से असेंबल कर दिया है। क्रीम अभी फ्रेश बीट थी और फ्लावर्स से मैंने इसकी डेकोरेशन कर दी है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया।